प्रदेश में अब अन्याय नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के युवा मुख्यमंत्री सभी जाति धर्म और किसी भी प्रकार के दबाव से हटकर आम जनता के हित के लिए ही कार्य करेंगे। कुछ ऐसा ही कहना था आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रवि शंकर जी का, जब वो महासत्संग से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। मुझे बहुत हर्ष है कि एक युवा मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ आसीन हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि वो बिना किसी दबाव के, किसी के दबाव में ना आए और एक न्याय पूर्वक जाति धर्म को एक तरफ रख कर के आम जनता को, सबको समान रूप से न्याय मिले और समान उन्नति हो, इस तरह से वो प्रयत्न करें। मुझे यकीन है वो करेंगे भी। और सबसे पहले यहाँ प्रशिक्षण बढ़ना चाहिए, प्रशिक्षण के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में। अभी मैं गांव-गांव से आ रहा हूँ, एक एक गांव में जो गरीबी है वो हृदय द्रावी है, दिल को छूता है और भाव इतना है। मुझे एक एक गांव में लोगों ने वहाँ रोक के स्वागत किया तो लोगों में आस्था है और एक उमंग भी है। इस महासत्संग का मकसद सिर्फ भक्तों का बुलावा ही नहीं था, बल्कि आम जनता को भ्रष्टाचार से विरुद्ध जाने का संकल्प दिलवाना था और जन जागृति का कार्य करना था। गुरु जी का मानना था अगर आम जनता में आध्यात्मिकता जागेगी तो वो अपने आप ही सभी गलत कार्यों से मुक्त हो जाएंगे। हमने हमारे इससे पहले भी हमारा 10 डिस्ट्रिक्ट में यूपी में हमारा दौरा हुआ, चुनावपुर मैंने कभी किसी पक्ष के विरोध में नहीं बोला, हमने सिर्फ भ्रष्टाचार के विरोध में बोला। अच्छा, हमने किसी पक्ष के विरोध में नहीं बोला। यदि किसी पक्ष हमारे विरोध में बोल करके अपना वोट खोए तो हम क्या कर सकते। अन्ना के आंदोलन का समर्थन करते हुए श्री श्री रवि शंकर जी का ये कहना था कि हर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, फिर चाहे वो अन्ना हो, बाबा रामदेव या वो खुद, बस तरीके अलग अलग है। मैं अन्ना के आंदोलन के साथ हूँ। देखिए, लक्ष्य हम सबका ये है कि भ्रष्टाचार निर्मूलन करना है, मगर हमारा काम करने का ढंग अलग अलग है। हमारा ढंग अलग है, बाबा रामदेव जी का अलग है, मगर हम लक्ष्य पे हम सब साथ है कि एक स्वच्छ समाज देना है, हमारे आने वाले पीढ़ी इसके हकदार। गांव-गांव में जाकर उनके कष्टों की ध्वनि को सिर्फ कानों तक लाकर ही नहीं छोड़ा श्री श्री रविशंकर जी ने, बल्कि करीब 1,00,000 युवा चार्य या रूरल टीचर्स और 11,000 अर्बन टीचर्स मिलके उत्तर प्रदेश और सभी जिलों के गांव में उनकी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। कई जगह पर हमारा वो रसायन मुक्त खेती का काम हो रहा, जब मैं जाके देखता हूँ तो देखता हूँ इतना काम कर रहे हैं हमारे युवाचार्य। हमारे पास करीब 1,00,000 युवाचार्य है जो गांवों में काम कर रहे हैं, रूरल टीचर्स हैं। करीब 11,000 हमारे अर्बन टीचर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो इनका काम जगह जगह हो रही है और हमारे कई निशुल्क स्कूल भी चल रहे हैं। तो मैं कभी मौका नहीं मिला कि यहाँ पर इस क्षेत्र में दौरा करने का, इस बार मैंने टाइम निकाल के इसी काम पर लगा। सभी धर्म गुरु और बाबा क्या राजनीतिक हो रहे हैं और धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर श्री श्री रविशंकर जी का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा तो हम किसी पक्ष में नहीं होना, मैं ये हमेशा कहता आया हूँ, पत्रकार और संत किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जिसके पक्ष में होते वो पक्ष को ही नुकसान होता है। चाहे श्री श्री रविशंकर 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के युवा नेता से मुलाकात करने के बाद अमेठी जाएंगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के युवा नेता पे कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर विकास की ओर अग्रसर होंगे। कैमरामैन नितेश कुमार भाटी के साथ लखनऊ।